बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टैट्स फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 6 कंटिन्यू है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6.32 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे आज। और इससे पहले के सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं और वो मेरे चैनल पर उसकी वीडियोस अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैं जो बुक शाह जमाल की है उसके अकॉर्डिंग ही करवा रही हूँ। सो हेयर द क्वेश्चन 6.32, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 डॉट्स इफ़ अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड वंस। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड वंस। पेयर ऑफ डाइस यानी कि टू डाइस रोल्ड हो रहे हैं सिर्फ एक बार, तो ये हमें बस ये बात पे नोट करना है। तो यहाँ पे इसका मतलब टू डाइस का जो होता है सैम्पल स्पेस वो बनेगा, और फिर हमें बताना है कि वो जो डॉट्स होंगे यानी कि जो नंबर्स होते हैं उसको हम जब ऐड करेंगे तो उसका सम बनना चाहिए कितना, 9 बनना चाहिए, राइट। तो ये भी सारे क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व हो रहे हैं जैसे कि मैंने इससे पहले भी सॉल्व करवा चुकी हूँ। सो आज भी मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। सो हेयर द सैम्पल स्पेस, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये हमारे पास टू डाइस का है, देख सकते हैं। तो जो मैंने सैम्पल स्पेस बनाए हुए हैं डाई के लिए भी, डाइस के लिए भी और कॉइन्स के लिए भी, तो देखो वही सारे रिपीट हो रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आ रहे। तो बस हमें वो जो क्वेश्चन में लिखा होता है उस बात पे नोट करना होता है, बस वो देखना होता है। तो वहाँ लिखा हुआ था अ पेयर ऑफ डाइस यानी कि टू डाइस, तो टू डाइस है, तो ये हमारे पास टू डाइस का सैम्पल स्पेस है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, मैं नहीं बना रही अलग से, आप बना लीजिएगा क्या क्या आपको और अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास ये इसका डाइस का है। अब हमें यहाँ पे नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिसको हम सम करें यानी कि प्लस करें, ऐड करें, तो उसका सम 9 बने। तो ये देखें 4 4 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 4 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, इसी तरह से आगे से ये हमारे पास 10 हो जाएगा। तो अगर ये 4 5 9 है तो सिर्फ हमें 9 का देखना है, ठीक है, सिर्फ 9। तो ये 4 5 9 है और इसी तरह से ऊपर कहीं 9 नहीं बन रहा क्योंकि 6 3 और 6 भी, हाँ 3 और 6 हमारे पास देखें 9 बन रहे, 3 5 नहीं बन रहे, हमारे पास ये 8 बनेंगे, ये हमारे पास 9 बन रहे। इसी तरह से ऊपर देखें तो यहाँ ऊपर हमारे पास नहीं, ये भी हमारे पास नहीं बन जाएगा, ये हमारे पास 8 बनेगा, हमें देखना 9। तो ये 3 6 हमारे 9 बन रहे, 4 5 हमारे 9 बन रहे, इसी तरह से 5 4 भी, और ये 3 6 6 3 भी हमारे पास, ये सारे देखें इस तरह से ये आ रही है लाइन। तो इसमें अगर हम स्केल रखें तो फिर हमारा इस तरह से आएगा, ये देखें हमने सिर्फ एक, ये 3 6 9 बन रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमने स्केल रखा तो हमारा देखें इस तरह से ये सारे नंबर जितने भी आ रहे हैं। हम जब स्केल रखेंगे ना कोई भी, बस एक नंबर हमने ढूंढ लिया, तो जैसे ये मैंने नंबर ढूंढा, इसके हमने स्केल रखेंगे तो देखें ये वो स्केल सारे नंबर्स पर ले गया ऑलरेडी जो कि 9 बनेंगे अगर हम उन दोनों को ऐड करें। अब ये बाकी उससे ज़्यादा नंबर बन जाएंगे, ये 5 5 10 बन जाएंगे, इस तरह से ये भी सारे आगे जो हमारे पास नंबर्स हैं ये 9 से ज़्यादा बन जाएंगे। बट हमें सिर्फ देखना है जो 9 बन रहे हैं नंबर्स दोनों को ऐड करके, सिर्फ उनको लें। तो ये नंबर्स हैं, ये मैं फिर यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, ए कंसिडर करेंगे इसको, ए इक्वल्स टू, तो वही सैम्पल स्पेस से जो आउटकम्स थे वो सारे यहाँ पर लिख दें। तो ये हमारे पास है 3 6 4 5 एंड 5 4, यहाँ पे 6 3, तो ये हमारे पास वो सारे आउटकम्स हैं जो कि सैम्पल स्पेस मैंने लिए हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, पता है सबको नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस यहाँ पे 36 है, और यह नंबर ऑफ ए भी पता है, ये 4 है, वही फार्मूला अप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 अपॉन 36, तो ये हो जाएगा 4 1 4 4 9 36, तो ये इसका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये आप आंसर देख सकते हैं, इसका है 1 अपॉन 9, इसका आंसर है 4 1 4 4 9 36, तो ये इसका आंसर है 1 अपॉन 9। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।